समर पर वार करके मालती देवी ने अनुपमा की ममता को ललकार दिया है दोस्तों। अब मालती देवी का सामना होगा उस माँ से जो माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी समर को अपने जाल में फंसा के अपनी जीत की खुशी मना रही है, मगर मालती देवी की हार का सिलसिला अब यहां से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यहां जो मालती देवी ने किया है डिम्पी के साथ मिलके, वो डेफिनेटली समर के नुकसान के लिए ही है। समर ना सिर्फ इमोशनली टूटेगा बल्कि प्रैक्टिकली भी वो तार तार हो जाएगा। और जब ऐसा कुछ समर के साथ होगा तो अनुपमा माँ कैसे चुप रहेगी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मालती देवी कहना ही दोस्तों ठीक है, देवी भी क्यों कहना, मालती ही कहना ठीक है, क्योंकि देवी जैसे शब्द का भी अपमान होगा अगर हम मालती के पीछे ये शब्द लगाते हैं। तो मालती ने जो कांड अब कर दिया है और डिम्पी ने उसमें पूरा पूरा साथ दिया है, जैसे कि हमने देखा कि डिम्पी को पहले से ही सब पता था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, सब चीजें डिम्पी को पहले से पता थी क्योंकि फोन पे डिम्पी रेगुलर मालती के टच में है। अब ये जो मालती ने किया है कि कैसे अनुपमा के सबसे प्रिय बच्चे को, जो अनुपमा का ओबीडियंट बच्चा है, उसको तोड़ूंगी, उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगी, और ये बातें सारी अनुपमा जानती है कि समर ने किन हालातों में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। तो यहां पे अनुपमा की चिंता क्या है, सिर्फ और सिर्फ समर। अब मालती ने यह काम करके अनुपमा की नजरों से अपनी गुरु वाली इमेज को तो बिल्कुल शैटर्ड कर दिया है, जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी शैटर्ड कर दी, क्योंकि अनुपमा अभी तक उसको गुरु मां ही कह रही थी कि मेरी गुरु मां नाराज है, मगर जैसे ही गुरु मां ने, मालती ने अनुपमा की ममता पे पहली चोट मारी है तो उसने अपनी हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, और इतनी बुरी तरह से हारेगी आप देखिएगा, क्योंकि हर बार हमें लगेगा कि ये मालती देवी की जीत है, मगर वो हर जीत मालती देवी की हार की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि अनुपमा हर बात की जड़ तक जाती है और उस जड़ से ही उसका इलाज निकालती है। जो मालती देवी इतनी, यानी कि मालती इतनी ज्यादा उछल रही है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास ये है, मैं काम बंद करवा दूंगी, मैं एकेडमी बंद करवा दूंगी, मैं समर को अपने पैरों पे लेके आ जाऊंगी, तो ये सारे भ्रम तोड़ेगी अनुपमा जब मालती देवी का वो सच सामने आएगा जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं होगा, और जब मालती देवी की ममता पे ट्रेस लगाएगी अनुपमा। जैसे मालती देवी यानी कि मालती लगाती है वैसे नहीं, बल्कि अपने तरीके से सामने लाके खड़ा कर देगी मालती देवी, यानी मालती का वो सच जो अभी तक किसी को नहीं पता है, तब मालती कहां अपना मुंह छुपाएगी वो आप देखिएगा। तब मालती खुद अनुपमा के पैरों पे गिरेगी, उसकी ममता की जो है तारीफें करेगी कि यस, मैं तुम्हारी ममता को नहीं हरा पाई, क्योंकि बच्चों में जितनी चोट देगी मालती उतनी ही अनुपमा की मां जो है मालती देवी के सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो अब सामना जो है एक गुरु का एक मां के साथ है, शिष्य के साथ नहीं है, एक ऐसी औरत का सामना मां के साथ है जिसके अंदर ममता है, मगर वो अपनी ममता को, दूसरी की ममता को डिस्ट्रॉय करके दबाने की कोशिश कर रही है, और ये अनुपमा नहीं होने देगी दोस्तों। जैसा कि कमिंग अप में भी कहा कि अपने समर के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और कुछ भी करने में अनुपमा कुछ भी करेगी, हो सकता है मालती देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, हो सकता है कुछ भी करे, मगर मालती देवी के सामने अनुपमा सच लाकर रहेगी ही रहेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.